अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हानियाज़ किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन की एक बड़ी ही मज़ेदार सी स्नैक की रेसिपी। बहुत आसानी से बन जाती है। एंड देखिए, आप चाहे इसे चिकन रिंग्स कहिए, चिकन डोनट्स कहिए, जो भी कहिए, पर मैं दुआ करती हूँ कि ये रेसिपी जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब आप इंग्रेडिएंट्स भी एक बार ऐसी नज़र घुमा लीजिए, बड़ी थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं और बड़ी मज़ेदार सी डिश बनने वाली है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखिए, मैंने 3 आलू ले लिए हैं, बॉईल कर लिया है मैंने, इसे पील भी कर लिया है। एंड साइज़ आप देख सकते हैं आलू की, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस मीडियम से आलू हैं। इसे हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ मैंने अपना चॉपर ले लिया है, उसके अंदर मैं बोनलेस चिकन डाल देती हूँ और इसके साथ ही मैंने यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर लिया है। अच्छा, साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ के अनियन को ग्रेट कर लिया था और वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद हम चलते हैं थोड़े मसालों की तरफ। मसाले में देखिए, मैंने थोड़ा सा ऑरिगैनो लिया हुआ है, रेड चिली फ्लेक्स हैं, ब्लैक पेपर पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा है, नमक है और ब्रेड क्रम। जितनी लिस्ट है ना मसालों की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी एंड स्क्रीन पर भी आप उसे देख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, जो आलू हमने मैश किया था वो भी हम चिकन में ऐड कर देते हैं। और उसके बाद आ रहा है हमारा ग्रीन चिलीज़। हाँ, ग्रीन चिली देखिए, मैंने यहाँ 5 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, आप थोड़ा सा कम ज़्यादा चाहें तो कर सकते हैं। और साथ ही उसके मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ले लिया है। अब हम इसे अच्छा सा फाइन एक इसका कीमा बना लेंगे। आप चाहें तो देखिए मिक्सी जार में भी कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से हो जाता है, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास इस तरीके का चॉपर ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप जैसे आप देख सकते हैं कि पेस्ट तो हमारा जो कीमे का है बड़ा ही अच्छा बन गया है, सारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। पर मैं इसे एक बार हाथ से चेक कर लेती हूँ, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि यू नो जो हमारा कीमा तैयार हुआ है बहुत रूखा हो, थोड़ी सी एक नमी उसमें होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अंडे की ज़रूरत है इस वक्त, तो मैं इसमें एक अंडा अगेन मैं इसमें एक अंडा शामिल कर देती हूँ एंड इसको एक बार और हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये देखिए, अब अंडा डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया है। एंड अब देखिए, अब जिस तरीके से पहले वो थोड़ा ड्राई लग रहा था, अब वो ड्राई नहीं लग रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने एक प्लेट ले लिया है एंड मैं इसे थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट क्या करूँगी, मैं जो कीमा मैंने तैयार किया उसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है। अच्छा, अब पाइपिंग बैग में डालने के बाद मैं इसे पाइप कर रही हूँ एक रिंग के शेप में। सो इस तरीके से आप चाहें तो देखिए, मैं एक प्लेट पर इसे पाइप करके मैं इसे अभी ठंडा करने के लिए रख दूँगी। आप चाहे तो आप इसे इसी तरीके से एक फ्रीज़र सेफ बॉक्स में आप पाइप कर लीजिए, एक पार्चमेंट पेपर नीचे रख लीजिए, उसी के ऊपर पाइप कर लीजिए एंड आप लेयर्स लगा दीजिए बॉक्स के अंदर एंड आप उसे फ्रीज़र में डाल दीजिए। आप उसे स्टोर कर लीजिए जितना भी दिन चाहे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आप महीना भर भी स्टोर कर सकते हैं। सो इस तरीके से मैं इसे पाइप करने वाली हूँ और मैं इसे फ्रीज़ करूँगी। बेटर होता है कि आप ओवरनाइट फ्रीज़ करें, पर मैं फ़िलहाल 5 घंटे के लिए ही उसे फ्रीज़ कर रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम एक मज़ेदार सा चीज़ सॉस बना लेते हैं। सो यहाँ मैंने पैन रख लिया, अभी मैंने पैन ऑन नहीं किया इसका स्टफ़, और इसमें मैंने बटर डाल दिया है, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर है और चिली फ्लेक्स। इसके साथ ही मैं 1/2 कप दूध ले ली हूँ और यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच मेयोनीज़ ले लिया है। अब सारे इन्ग्रीडियंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, साथ ही देखिए, आप अपने पसंद की कोई भी आप चीज़ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ मैंने क्यूब चीज़ ले लिया है, आप चाहे मोज़रेला ले लें, प्रोसेस चीज़ ले लें, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। अच्छा, अब हम स्टव ऑन कर लेंगे एंड सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने इसमें डाले हैं वो अच्छे से कंबाइन हो जाए, इतना हम इसे कुक करेंगे। आप देखेंगे कि वो पकते हुए जो है सॉस थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा एंड उतना ही हमें उसे कुक करना है कि हमारा सॉस जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। आप देखेंगे उसके बबल्स कितने अच्छे हो गए हैं एंड दैट इज़ इट। इस स्टेज पे हमें ये समझ आ रहा है कि हमारा सॉस जो है वो कम्प्लीटली डन है। सो हम स्टव बंद कर लेंगे एंड हम हमारे सॉस को एक बोल में निकाल के रख लेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, जो हमने रिंग्स बना के रखी थी, जो हमने फ्रीज़र में स्टोर कर ली थी, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए, रिंग्स में एक अच्छा सा शेप फॉर्म हो गया, मतलब थोड़े से स्टर्डी स्टिफ हो जाते हैं, वो हमारा मकसद वही है। अब हम करेंगे कि हम रिंग्स को जो है पहले मैदे में डिप करेंगे एंड नेक्स्ट हम उसे अंडे में डिप करने वाले हैं। यानी हमने एक अंडा लिया है, उसे अच्छे से बीट कर लिया है एंड उसमें हम चिकन के रिंग्स को डिप करेंगे एंड फाइनली हम उसके ऊपर एक ब्रेड क्रम्ब की अच्छी सी कोटिंग लगा देंगे। सो ये पूरा प्रोसीजर है। पहले आप मैदे में आपके चिकन रिंग्स को डिप कीजिए, नेक्स्ट आप उसको अंडे में एक बार डिप कर लीजिए
एंड फाइनली हम उसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब का एक कोट लगा देंगे। बड़ा ही आसान प्रोसीजर है। और ये करने के बाद फिर समझिए सारा काम ख़त्म हो गया है। अब बस इसे हमें डीप फ्राई करना है। एंड डीप फ्राई करने के लिए भी मैं आपको बता दूं कि हमें तेल का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, वरना होगा क्या कि हमें चिकन को भी अंदर से अच्छे से कुक करनी है। बहुत ही अगर हाई टेम्परेचर होगा तो हमारा जो ब्रेड क्रम है वो बहुत जल्दी से यू नो डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा या बहुत जल्दी से गोल्डन कलर होगा, एंड अंदर से चिकन अच्छे से पकी हुई नहीं होगी। तो फ्लेम को आप मीडियम रखिए एंड उसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तब जो है हमारे बड़े ही क्रिस्पी एंड करारे जो है चिकन रिंग्स तैयार हो जाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं फ्लेम मैंने मीडियम पे रखी हुई है, मीडियम हाई भी नहीं है, मीडियम लो भी नहीं है, बस मीडियम सा आप फ्लेम रख लीजिए एंड उसे गोल्डन ब्राउन होने तक आप फ्राई कर लीजिए। ये देखिए ये जो चिकन रिंग्स हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस है, बच्चे इसे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड आप ट्राई कीजिए इसे, इंशाल्लाह आपके घर में भी सब इसे बहुत पसंद करेंगे। एंड वो जो चीज़ी डिप हमने इसके साथ बनाया हुआ है वो तो मस्ट है, आप उसे ज़रूर बनाइए। एंड अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। एंड मेरी इस रेसिपी को एंड मेरे चैनल को आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ये देखिए अब आप चाहें तो इसे इस तरीके से यू नो आप सारे रिंग्स के ऊपर इस तरीके से सॉस लगाकर आप इसे रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बिल्कुल वो चिकन का एक डोनट ही लग रहा है। तो चलिए आपका जैसा मर्ज़ी हो आप वैसे खाइए, आप इसे टमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बार। अल्लाह हाफिज़।